गर्मियां शुरू हो गई हैं दोस्तों, और गर्मियों के आते ही हमारे जो घर में जो है मच्छर और मक्खी बहुत ज्यादा लगने लगते हैं। हमारा घर किसी भी एरिया में क्यों ना हो, पर ये जो मक्खियां होती हैं या फिर जो मच्छर होते हैं वो पूरे घर में भिन 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 करने ही लगते हैं। और इनका नतीजा ये होता है कि हम बीमारी के शिकार होते हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हों तो मच्छरों से होने वाली बीमारी आप सबको पता ही है कि किस तरह से जो है मच्छरों की वजह से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं। मक्खियों की वजह से जो है किसी को डिसेंट्री की शिकायत होती है, किसी को पेट में खराबी की शिकायत होती है, या फिर हैजा कॉलरा जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो गर्मियों में इन चीजों से बचाव के लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने इस वीडियो की तरफ, और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। तो दोस्तों यहाँ पर मक्खी और मच्छर से बचाव के लिए हम आज यूज करने वाले हैं नीम की पत्तियों का। दोस्तों नीम की पत्तियों के ऊपर मैंने पहले भी आपके साथ दो रेमेडी शेयर की हुई है, और उन दोनों वीडियोस को आप सबने बहुत ज्यादा पसंद किया था। यहाँ पर मैंने कुछ नीम की पत्तियों को लेकर रखा हुआ है। यहाँ पर जो मैंने नीम की पत्तियां ली हैं वो एक्चुअली एक दिन पुरानी हैं। इन्हें मैंने तोड़कर और फिर फ्रिज में डाल दिया था, इसलिए ये आपको हल्की सी अलसाई हुई सी लग रही है, पर अगर आपको फ्रेश नीम की पत्तियां मिलती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इस दवाई को बनाने में फ्रेश नीम की पत्तियों का ही यूज करें। दोस्तों नीम में फंगस, वायरस और सबसे बड़ी चीज बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता होती है। ये अपने एंटी कैंसर गुणों के लिए जाना जाता है। ये एकमात्र ऐसा पेड़ होता है जिसके कि हर हिस्से का इस्तेमाल आप औषधि बनाने के लिए कर सकते हैं। इसकी छाल, पत्ते और बीज के बहुत ही मिरेकुलस फायदे जो है आयुर्वेद में बताए गए हैं। नीम के हर पार्ट का यूज करके हम बहुत सारी दवाइयों को बना सकते हैं, साथ ही जो है अपने घर में बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। यहाँ पर आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ मच्छर और मक्खी से बचाव के लिए, उसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं आएगा, साथ ही आप जो है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इन चीजों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीम की पत्तियों को लेंगे, फ्रेश नीम की पत्तियां हो तो बहुत अच्छी बात है। नीम की पत्तियों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। नीम की पत्तियों को हम डालेंगे डायरेक्ट मिक्सर के जार में। नीम की पत्तियों का हम तैयार करेंगे एक पेस्ट। तो यहाँ पर मैं सारी पत्तियों को पहले तोड़कर रख लेती हूँ, और इसका जो बीच वाला ये कड़ी लकड़ी वाले पार्ट होती है इसको हटा देंगे, सिर्फ हम यहाँ पर पत्तियां ही लेंगे। तो यहाँ पर सारी पत्तियों को मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अगर आप फ्रेश नीम की पत्तियां ले रहे हैं तो आपको इसमें हो सकता है कि पीसते समय बहुत थोड़े से पानी की जरूरत पड़े, पर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस दवाई को बनाने के लिए हमें नीम के साथ पानी का यूज करना ही करना है, इसे हम प्योर नीम के साथ नहीं बना सकते। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी पत्तियों को तोड़कर रख लिया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो लगभग 4 से 5 चम्मच मान सकते हैं, या 1/4 कप पानी हम यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी चीज मैं यूज करने वाली हूँ वो है कपूर। जी हाँ, कपूर की ये 4 छोटी छोटी सी डलियां ये इस दवाई को बनाने में काम आएंगी। घर में जो पूजा का कपूर होता है, या फिर अगर आपके पास देशी कपूर या फिर भीमसेनी कपूर है तो उसका यूज आप करें, वो बहुत ही अच्छा होगा इस रेमेडी के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल कपूर की टिक्कियां हैं उनका यूज कर रही हूँ। ये 4 टिक्कियां हमारे मिक्सी के जार में जितनी नीम की पत्तियां हैं उनके लिए सफिशियंट है। और दोस्तों आपको ये पता है कि घर में जब मक्खी मच्छर होते हैं या फिर किसी कीटनाशक को खत्म करना होता है तो कपूर का यूज हम करते हैं, या फिर जो आरती वगैरह होती है उससे भी जो है घर से निगेटिव चीजें निकलती हैं। तो यहाँ पर हम कपूर के साथ नीम की पत्तियों को पीस लेते हैं। नीम की पत्तियां पीस कर तैयार है। कपूर मैंने साथ में पीसा है क्योंकि अगर हम इसे बाद में डालते तो ये पानी में घुलता नहीं। अब यहाँ पर मैंने एक ले लिया है पुराना छन्ना, और इसमें जो है हम अपने नीम की पत्तियों के सारे पेस्ट को डाल देते हैं। यहाँ पर जितना पेस्ट है उतना आप डाल लें, और चाहे तो मिक्सी के जार को भी थोड़ा सा पानी डालकर आप निकाल सकते हैं। अब इसे स्पून लगाकर और अच्छे से निचोड़ लेते हैं। नीम की पत्तियों का ये पेस्ट बहुत ही गुणकारी होता है। दोस्तों इससे पहले मैंने शुगर की रेमेडी शेयर की हुई है, साथ ही एलर्जी के लिए भी नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किस तरीके से होता है उसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, तो आप जाकर वहां से चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर नीम की पत्तियों का सारा पेस्ट अच्छे से निचोड़ लेते हैं। ये जो नीम की पत्तियों का जो जूस होता है ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे मैं तो यहाँ पर मक्खी मच्छर को भगाने के लिए आपको ये तरीका बता रही हूँ, पर ये जो इसका जूस होता है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर आपके मुंह से दुर्गंध आती है, आपके दांतों में प्रॉब्लम है, आपको बॉडी से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप नीम की पत्तियों का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा बहुत ही बढ़िया से नीम की पत्तियों का जूस निकल कर तैयार है। अब इसके बाद से जो चीज हमें चाहिए होगी वो है कोई फ्रेग्रेंस। जी हाँ, आपके पास जो भी कोई नेचुरल ऑयल हो, जैसे कि मेरे यहाँ पर
बहुत सारे इस तरह के फ्रेग्रेंस वाले ऑयल मैं रखती हूँ, जैसे ये जैस्मिन है, या फिर आपके पास कोई सा भी फ्रेग्रेंस हो, मेरे पास यहाँ पर दो तीन तरीके के हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैस्मिन है, रोज है, रोज में आप थोड़ा सा यहाँ पर रोज वाटर का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको रोज वाटर का फ्रेग्रेंस पसंद हो, जैसे कि लेमन ग्रास है, इनमें से कोई सा भी ये ऑयल होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं ये मैं यहाँ पर इनका यूज करने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई से भी एसेंशियल ऑयल्स नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बिना इनके भी ये दवाई बना सकते हैं। हम यहाँ पर इनमें से एक दवा ले लेते हैं, जिससे कि जब हम इस चीज को यूज करेंगे तो उससे खुशबू हमारे पूरे कमरे या पूरे घर में फैलेगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस ऑयल की 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड कर लेती हूँ, और इतने से ही हमारे पूरे दवाई की खुशबू एकदम चेंज हो जाती है, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है। इसको हम क्या करेंगे, इस पानी में अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेते हैं, और आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया जो है इसका कलर आया है। ये कलर देखने में जितना अच्छा है उतना ही ये वर्क अच्छे से करेगा हमारे मक्खी और मच्छरों पर। अब इस पानी को हमें यूज कैसे करना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए हमें एक चीज की जरूरत होगी, जो हमारे घर में इस तरह के मशीन वाले लिक्विडेटर होते हैं, जैसे ऑल आउट के, मार्टिन के, किसी भी कंपनी के, आप लिक्विडेटर का एक ये डब्बा ले सकते हैं जो कि खाली हो गया हो, आपने यूज कर लिया हो, फिर ये खाली हमारे घरों में पड़े होते हैं, ऐसा ही लिक्विडेटर का एक डिब्बा हमें चाहिए होगा। इसे हम जो यूज करेंगे वो पूरी तरह से खाली होना चाहिए। इसका ऊपर का कैप आप निकाल दें, इसकी लिड निकाल दें, और उसके बाद से इस डब्बे में हम क्या करेंगे, अपने इस लिक्विड को भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये लिक्विड जो है बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने इसे खुद अपने घर में यूज करके देखा है और मुझे बहुत ज्यादा मक्खी मच्छरों से निजात मिली है। तो यहाँ पर इस डब्बे में हम अपने लिक्विड को फिल करेंगे। फिल करने के लिए आप चाहें तो इस जूस को ग्लास में ले लें, या फिर यहाँ पर जैसे मैं इस टाइप का एक छन्ना ले रही हूँ जिसमें पीछे इस तरह से होल है, तो इससे मैं आसानी से इसमें फिल कर सकती हूँ। यहाँ पर इस सारे जूस को हम इस छन्ने में डाल देते हैं, और फिर आसानी से जो डिब्बे में लिक्विड है हमारा वो चला जाएगा। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिक्विड को फिल किया है। लिक्विड को हमें कितना फिल करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर एक बॉटल लाइन लेनी है, उतना ही फिल करना है, बहुत ज्यादा ऊपर तक, एकदम ओवर फिल नहीं करना है जिससे ये निकल कर, क्योंकि इसमें जब इसे हम मशीन में लगाएंगे तो ये थोड़ा सा हल्का सा वेपर देता है, यानी कि गर्म होता है, तो उस टाइम पर ये बाहर ना आ सके, इसलिए इसमें थोड़ा सा लिमिटेड लाइन आप जरूर छोड़ें। उसके बाद से इसको यहाँ पर 1/4 जगह छोड़ने के बाद हमने जो इसको फिल किया है, इसको हमें मशीन में लगाकर यूज करना है। जैसे हम इस लिक्विडेटर को नॉर्मल तरीके से ऑल आउट या मार्टिन की मशीनों में यूज करते हैं, अपने कमरे की स्विच बोर्ड में लगाते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर इसका यूज करना है। अब ये यूज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और जब हम इसको लगाएंगे मशीन में तो इसकी जो स्मेल उठेगी, जो इसमें ऑयल की स्मेल है, उससे तो आपका पूरा घर महकेगा, पूरा रूम महकेगा। साथ ही हमने जो नीम और कपूर का यूज किया है वो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, साथ ही ये जो है जर्म्स पर बहुत अच्छे से इफेक्ट देते हैं। नीम का जो पानी है वो जब गर्म होकर और वेपर के रास्ते पूरे रूम में फैलेगा तो इससे जो है मक्खी मच्छर दूर भागेंगे। साथ ही कपूर की जो स्मेल है, तेज स्मेल होती है, उससे भी मक्खी मच्छर दूर होते हैं। दोस्तों ये बहुत इफेक्टिव है। जब भी आपके पास इस तरह का लिक्विड ना हो, लिक्विडेटर ना हो, तो फिर आप इस तरह का नीम का बनाकर और आराम से इसको यूज कर सकते हैं, और इस पूरे लिक्विड को बनाने में मुश्किल से 5 से 7 रुपए का खर्चा भी नहीं आया है। जबकि ये लिक्विडेटर आप खरीदते हैं मार्केट से तो ये 30 से 40 या फिर कभी कभी 50 रुपए का भी आता है। तो दोस्तों ये जो है बहुत इफेक्टिव है, इसे अब इस तरह की मशीन में लगाकर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑल आउट का है, ये मैंने लगा रखा था, इसको मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसका ढक्कन आप निकालिए, और जब आपको यूज नहीं करना हो तो आप ढक्कन लगा कर रखिए, बस इसे अंदर इंटरनली इस तरह से फिट कर देंगे और फिर किसी स्विच बोर्ड में लगाकर स्विच को ऑन कर दीजिए। फिर देखिए कितना बढ़िया तरीके से दोस्तों ये हमारा ये लिक्विड जो है वर्क करता है। एक बार जरूर बनाकर इस तरह से ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना तो बनता है, फ्रेंड्स और फैमिली में ये वीडियो शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।